नेक्स्ट है? मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ पर्सनली, और अभी सर ये एक गॉड का ही था कि यहाँ पे आ गए हैं, मेरे लिए गॉड ही हैं, ठीक है, बड़ी बात नहीं बोलूंगा सर, प्लीज ठीक है। तो मैं प्लीज पर्सनली आपसे बहुत ही ज्यादा हूँ, और मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे छोटे मोटे क्वेश्चन है। आप उत्तराखंड में आए, आपको जी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? लाइक यहाँ पे क्या परिवर्तन होना चाहिए? मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं आपके, आपने बंगाल में भी पलटा है, तो यहाँ पे कैसे आप देख रहे एक एक हैं? चीज सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा, पूरा भारतवर्ष एक ही है डेमोग्राफी वाइज, जी केवल माउंटेन्स हिल्स और प्लेन्स की बात नहीं है। हम लोग आवाज करते हैं यूथ के लिए, बिल्कुल सर, हम एक बात बोलते हैं कि यूथ मीन्स चेंज, है यस ना, और हमारी गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। नियम है। हमारे यहाँ पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी लोग आप बुजुर्ग देखोगे, राइट, 65+, रेबल फाउंडेशन के एक लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है वो यंग पार्लियामेंटेरियंस बने, राइट, और ये वो यूथ बने जिनके बाप दादा एमएलए एमपी नहीं है। राइट, अगर मैं उनके लिए आता हूँ, निर्दलियों के लिए आता हूँ, और मुझे बुलाते हैं कि हम ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं क्योंकि हमने यहाँ काम किया है और हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो हम उनको जन सपोर्ट, हम उन्हें मतलब अच्छा खुलास देने के लिए रेडी है। और अगर हमें लगे कि बैड गवर्नेंस, जैसे आज हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो जॉब स्टेट लेवल के जॉब्स क्यों नहीं आते, गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे। अब इस गवर्नमेंट का एक छोटा सा प्रोजेक्शन था कि प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट वेपन, तो हम कैसे मान लेंगे प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट वेपन? तो फिर प्राइवेट करेंसी बना दीजिए, अगर प्राइवेटाइजेशन ही अच्छा है तो प्राइवेट करेंसी बनाइए, क्योंकि हर देश के लिए ढांचागत और संस्थागत चीजों के महत्व ज्यादा है। मसलन अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लो, सारे बस ही ऐसी कर दो, पब्लिक को अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, पब्लिक अपनी गाड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके पास बेसिक एमेनिटीज नहीं है। आप एक छोटा सा देख लीजिए, आप मंसूरी जाइए, नैनीताल जाइए, हिल स्टेशन का है, मॉल रोड है, लेकिन वहां पे पूरे मॉल रोड में एक टॉयलेट मिलेगा वुमेन्स के लिए। अगर बीच में कहीं रास्ता पड़ जाए, किसी बच्चे को फ्रेशअप होना पड़े, दैट इज मिसिंग, तो हम लोग उसे बैड गवर्नेंस मानते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट जाए। तो हमने देखा यूथ हमारे अनएम्प्लॉयड जा रहा है, वो क्यों जा रहा है जबकि एमबीए बीटेक के नए नए कॉलेजेस को मान्यता मिल रही है, देहरादून एजुकेशन हब है। आप कितने कॉलेज बनाओगे? इतने कॉलेज बनाने से पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को मोबिलाइज क्यों नहीं कर रहे? यहां से जो लाखों बच्चे निकलेंगे उनका प्लेस किस तरह से करोगे? ये फाइट है हम लोगों। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिक्स किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है ना, कि चाहे कोई भी परिवार, एक्स वाई जेड कोई भी परिवार हो, तो क्यों ना, मैंने तो अपनी ओर से एक सिंपल फाइट किया था, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का था, बल्कि पेरेंट्स हो, दो बच्चों का पिता हूं मैं, अपने सब काम छोड़ के मैं इसमें घुसा हूं। जब मैं एक छोटा सा चेंज ला सकता हूं, तो मेरे साथ अगर इतने लोग जुड़ जाए तो ऑटोमेटिक चेंज आएगा। मुझे पॉलिटिक्स करना नहीं, मुझे आना नहीं एमएलए एमपी बन के, क्योंकि मुझे अगर मैं पॉलिटिक्स में घुसना होता था, मैं अब तक राज्यसभा चला गया होता, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरे लिए एक छोटा सा पार्ट है, लेट सम पीपल ब्रिंग द चेंज एंड लेट सम पीपल प्रूव दैट वी हैव द पावर टू चेंज। कोई एमएलए एमपी ये ना सोचे कि फॉर्च्यूनर में बैठ के वही पावरफुल है, उसे एक मोमो वाले का भी वोट अगर चाहिए होगा ना, तो वो मोमो वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा, जब एक चाय वाला बन सकता है तो वो क्यों नहीं बनेगा? जब हमने चाय वाले को दिया था, हम किसी और को भी देंगे, बट दिस टाइम एजुकेटेड गाइस जिनका एक्सपीरियंस, हम चाहते हैं कि 40 साल से लेके 55 साल के बीच के जो लोग हैं, जो मेच्योर्ड भी हैं, ज्यादा सीनियर भी नहीं, जिनका फिटनेस लेवल भी है, और जो क्राइम फ्री है, जिनके ऊपर औरतों के प्रति गंभीर मुकदमे दर्ज ना हो, क्राइम फ्री पार्लियामेंट भेजो, आधा पार्लियामेंट तो वही स्वच्छ है। जितने भी आज की डेट में आज भाजपा के देख लीजिए, 53% के ऊपर गंभीर अपराधों के केस है, तो चेंज आएगा कैसे? आप नमामि गंगा खा गए, स्मार्ट सिटी खा गए, 15 लाख खा गए, काला धन खा गए, केजरीवाल जी ने लोकपाल बिल खा लिया, काम कहां किया? पेट्रोल डीजल अब कुकिंग ऑयल, क्या किसान को सरसों का रेट मिल रहा है क्या? लेकिन हम तो खरीद रहे हैं ना 225। और कल ही मुंबई का एयरपोर्ट इन्होंने भेज दिया, एक्चुअली 6 एयरपोर्ट भेज चुके हैं, 6, और अब बाकी कतार में। अगर हमने इनको नहीं रोका तो बचा बचा चीज भी हमारा जाएगा, टू स्टॉप दैट। अरे हम कोई एंटी बीजेपी नहीं है, हम लोग मोदी के भक्त रहे, मोदी जी के, मोदी इज द रॉन्ग वर्ड, मोदी जी के हम लोग भक्त रहे स्पेसिफिकली। हमारा हमारा फाइट बैड गवर्नेंस है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी। उत्तराखंड में कैसे आप देख रहे हैं कि अभी देखिए इस बार सरकार चेंज होगा, मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा खनन हुआ है। अभी आपने बड़ासी का पुल देखा है, 3-3 साल में 9-9 करोड़ के पुल गिर रहा है, लच्छे वाला का पुल गिर रहा है, अभी देहरादून में पुल बहा, राइट, तो ये माइनर इंसिडेंट्स नहीं है। हमारे यहाँ पे भी, मैं बिलोंग करता हूँ चोकता से, चोकता में क्या हुआ कि अभी एक रोड का प्रोजेक्ट आया लगभग 9 करोड़ रुपए का जी, उस ठेकेदार वो किसी बीजेपी या किसी पार्टी से है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ। अभी आप उस रोड की हालत देखोगे तो उस रोड की वजह से मतलब इतना खराब काम हुआ है, पूरी गोशाला है नीचे, वो सारे सबको हटाना पड़ा। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आप देवभूमि में बिल्कुल सबसे ज्यादा प्राइमरी दिक्कत क्या है आज? पीने का पानी प्रेम नगर, जहाँ पे 8 बार का विधायक के कैंट क्षेत्र के, आज वहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा, टैंकर से पानी आ रहा है, दैट इज द वर्स्ट थिंग। आप 8 बार के स्टैंडिंग एमएलए और अपने क्षेत्र में पानी का आपको निकास नहीं, अभी वहां पे एक पुस्ता गिरा है, व्हाई हैज इट फॉलन डाउन?
तीसरी बात एक आप लगा लीजिए ना कि हमारे यहाँ बेसिक जो कोविड का प्रोटोकॉल था उसमें जो लोग बेरोजगार हुए, स्कूल वालों ने मनमर्जी फीस ली, टीचरों को फीस दिया क्या, टीचरों को पेमेंट दी नहीं, स्टाफ को दिया नहीं, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है, एक भी राज्य सरकार ने कदम नहीं उठाया, एक सिंगल राज्य सरकार ने, चाहे कोई भी पार्टी को, तो हमारी फैक्ट ऐसे मुद्दों की है बेसिकली। थैंक यू सर, करेंगे, बाय, प्लीज कंप्लीट।